हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, मजे कर रहे होंगे। बड़ी ही मेहनत करके हमने चार दिन लगातार शूट करके गर्मी में धूप में जी जान लगा के वीडियो बनाई, वीडियो डाली कल, और उसके बाद वो वीडियो अभी तक ट्रेंडिंग पे भी ना आई है। इतना दुख हो रहा मेरे को सुबह सुबह उठते ही। एक तो दूसरा दुख एक हो रहा है, वो भी बताऊंगा, पर ट्रेंडिंग पे ना आई सबसे बड़ा दुख इसका हो रहा है। मम्मी जी, वीडियो कैसी लगी आपको? एक नंबर लगी, सबने एक नंबर लगी। कमेंट्स इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे सारे कि भाई तुमने अलग ही लेवल कर रखा है यूट्यूब का। इतने सारे बढ़िया कमेंट्स आ रहे, और मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि जो आप लोग हो, जो मेरे व्लॉग चैनल पर जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने 110% देख ली होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो हाफ इंजीनियर सर्च करके जाकर देख लेना और अपनी हाजिरी लगा देना वहाँ की, फ्रॉम मनीष शर्मा चैनल। वैसे आप लोगों ने देख ली होगी, मैं ऐसा सोच कर चल रहा हूँ, क्योंकि जो उस चैनल पर लोग हैं वो थोड़ा सा लेट देखे। आप लोग पहले देख लो, मेरा ऐसा मानना है। पर फिर भी भाई मैं सोचा था ट्रेंडिंग पर आ जाएगी, अब तक कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं किसी नंबर पर तो दिखे, 15-20 कहीं तो दिखे, कहीं भी ना दिखे, अभी तक आई ही ना है। आएगी, देखेंगे कब आएगी, मम्मी कह तो रही है। पर दूसरी टेंशन मम्मी जी एक हो रहा है मेरे को कि हमारे घर में एसी लगवा दो प्लीज। बहुत गर्मी पड़ने लग गई है गाइस। हमारे घर में एसी नहीं है, एक भी इस वाले घर में एक भी एसी नहीं है। बस एक एसी लगवा लो। हमारी मम्मी बचत इतनी कर एक एसी लगवा लो, इतनी गरीबी में कैसे जिएंगे मम्मी हम? बालक पालने भी तो पड़ेंगे, आपने नू बताओ भाई। इतनी गर्मी, रात ने मच्छर खा रहे। अब मैं मच्छर खाने थे हैं, और पता पड़ा तो ठीक है, मच्छर खा रहे, मैं चद्दर ढक लूं फिर मैं क्या, वो गर्मी सी लगा, पंखा चल रहा उसके बाद भी। क्या यार, बड़ी समस्या है। ऊपर तो पैर में दर्द हो रहा, पैर अभी तक ठीक ना हुआ। चलो खैर, बाद में दिखाऊंगा जब ठीक हो जाएगा। ओके, बार बार दिखाता रहूं इसका भी, मतलब हमने दिखा लिया डॉक्टर के, पर इसका प्रोसेस है डेढ़ दो महीने लंबा, उसके बाद जाके ठीक होएगा ना होएगा देखेंगे, जैसे भी रहेगी। फिर नहीं तो इनका ऑपरेशन करवाएंगे, कुछ ना कुछ तो इलाज होएगा ही। अभी क्या बना रहे हैं मम्मी जी, आप खाने का ये बता दो बस। तो 3 महीने के लिए बाहर चल रहा, फिर एसी का क्या करेंगे? अब चल ही तो ना रहे आप। आपके मैं कह रहा हूँ मम्मी, चल लो 3 महीने में, कहे तो गोवा चल लो या मुंबई चल लो, अपना 3 महीने थोड़ा सा बाहर घूम आओ। मम्मी के बस की नहीं है, मम्मी कहे ना मैं तो यहीं रहूंगी। मम्मी चलो गोवा चलो, है पक्की बात है? आप कह दो बस, फिर चलो तो होना। एक दांत लाया हमारा, इसका नू रहा है नू कर रहा, अरे ना यहीं रहेंगे, अपने गांव में ही रहेंगे, बाहर ना जा रहे। डबल गर्मी ना, इतनी गर्मी है जितनी यहाँ है, और वहाँ तो गर्मी रहा भैया, वहाँ तो बारिश शुरू हो जाएगी कुछ दिन में, तो फिर उसके बाद मौसम ठीक रहे। मुंबई में क्या अलग है, मुंबई में ज़्यादा गर्मी है, बल्कि गोवा में तो बारिश हो जाएगी तो वहाँ पर ठीक रहेगा। और गोवा में सुबह शाम तो फिर भी ठीक ही है, दोपहर में हमने बाहर क्यों निकलना बेफालतू में? बताओ, कर दो फाइनल, हैं चीप में उठ जाने दो, उसके बाद बात करके देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फिलहाल तो आप बताओ क्या बना रहे हो, दाल चूरमा? दाल है वो ना, आलू फली है के? फिर तो रोटी बना लो हर सब्जी के ना। हाँ मम्मी यार, पेठा और बनाना, मीठे वाला है, बहुत मन कर रहा है। कल उसने पंडा नाम ले दिया, रात में नुकर हमारे घर तो पेठा बन रहा था मीठा, और मैं रोटी खा रहा घर बैठती, और मेरे पेठा याद आ गई। मन का यार पूरी और पेठा, मीठे वाला पेठा, भंडारे की याद आ गई मैंने। चलो अभी तो आलू फली दे दो, जो भी है पेठा कल खा लेंगे। गाइज, मैं सुबह 9 बजे उठ गया था, ठीक है। वैसे उठ तो बीच बीच में कई बार रहा था, क्योंकि गर्मी सी लग रही थी, पर 9 बजे उठ गया था, चलो मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 10 बजे से अब नहा धोकर अपना तैयार होगा, अब बज रहे 11, हमारी मम्मी ने रोटी बना दी, ठीक है। अब मम्मी ने कह रही है कि रोटी खा ले। अब मैं मम्मी तो बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मम्मी ये जो आप खिलाने की कह रहे हो, ये ब्रेकफास्ट है या लंच है? ये क्या बात है यार, एक बात बताओ, सुबह उठते ही कौन रोटी खाएगा? उससे पहले थोड़ा सा और भी कुछ है तो चाय। अभी एक लाइन पहले बोल रखी है इसमें कि मम्मी रोटी बना दो, फली की सब्जी बनाई है। हाँ वो तो खाऊंगा, तो पर बना दो उससे पहले कुछ चाय जूस, पहले जूस वूस आया करता बढ़िया, वो भी मम्मी ने बंद करवा दिया। ये बाहर का जूस ना, घर का ही घर पे बना ले करो, घर पे बनावे ना। पर ठीक है, रोटी खा लेते हैं, फली के साथ खाते हैं डायरेक्ट। देखा ना कैसी सब्जी है, शक्ल तो देख लू, नाइस वेरी नाइस, ऐसी चाहिए थी मेरे को। दही तो होगी, नो चाय तो बना रखी होगी, चाय भी बना दी, वेरी नाइस, थैंक्स मॉम, थैंक्स। यार मेरे को ऐसा कर करके ना लंगड़ा के चलने की आदत पड़ जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है जब तक पैर ठीक होएगा। और यो क्योंकि पूरा पैर रखना पाऊँ, यो वाला पाँव पूरा नीचे ऐसे रखना पाऊँ, कभी कभी तो रख लूँ, कभी कभी ना रख पाऊँ तो दर्द होगा इसमें। इसके चक्कर में इस वाले पैर पर ज़्यादा जोर देना पड़े, तो मेरे को यो और डाउट है कि कहीं इस पैर में दिक्कत ना आ जाए। मम्मी यो क्या चीज़ है? ओ आइसक्रीम भी रखी होगी, एक ही बच रही है बस। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी अभी मैंने रोटी खाई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना कल मैं एलविश अज्जू हम सारे साथ में थे, करप्ट हम सारे साथ में थे, तो भाई हम ना वो कर रहे थे, उनने पंजा वंजा लड़ाए थे आपस में, तो उनने वीडियो वाडियो बनाई थी। जैसे मतलब मैंने कल व्लॉग शूट ना करा क्योंकि मेरे मेन चैनल पर वीडियो आई थी, तो मैंने सोची थी आज व्लॉग डालूंगा ना, तो मैंने
मतलब उसने एलविश ने करा था, अज्जू ने करा था, तो भाई हम उसने व्लॉग डाला अभी अभी कि पंजे लड़ा रहे, तो मैंने ना वे सारे हरा दिए उसमें, ठीक है। तो इसने देखा वो व्लॉग, मैंने देखा एलविश का व्लॉग, सारे आ रहे हैं, अरे ऐसे चित मार रहा है उसने, लगा यार मैं तो भी दिखाई मम्मी उसमें ऐसे हो रहा है कि मतलब जैसे पंजे लड़ा रहे हम। तो भाई अब मैं पहले तो मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं ना जब जिम जाता रहूँ ना, तो जब जिम जाता रहूँ जब, तो मेरे अंदर नू रहे कि जान है, मतलब अंदर तक कॉन्फिडेंस रहे, पर कल ना था, पर वो कह रहे थे ऐसे बात हुई कि भाई चलो तो फिर लड़ाते तो मैं जीत गया, सब मैंने सारे हरा दिए। अब इसने वो देखा यूं करा, अरे हराना एक अलग हो गया ना, एक तो ऐसे पकड़ा नुकेर दिया, एक ऐसे पकड़ा एक ऐसे, तो मैं देख रहा हूं कि होल्ड जानबूझ क्यों आ रहे हैं यार, ये कैसे बात कर रहे हैं, अरे खैर, पर मैं देख रहा हूं कि होल्ड कर पाऊंगा ना कर पाऊंगा, इसने देखते हैं मम्मी याद क्यों ना आ रही, सारी चीज याद आ रही है, मतलब हमारे जो पिताजी थे वो ऐसे तौलिया लपेट के ऊपर बनियान बनियान पहन पूरे मोहल्ले में डोले करते, तो वो वाला गेटअप ले, लो मम्मी एक वीडियो बनाओ आप हमारी, यहाँ तक बनाओ परली साइड वहां खड़े हो जाओ, इसमें देखते रहे ना कैमरे में, ठीक है, दोनों साफ दिखने चाहिए, दांत लेंद बनाऊंगा अभी पहलवानिया बना 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 यार, देख मैंने बहुत दिन हो गए जिम जिम करे, तो भाई मैंने खुद, हाँ मैं बहुत उसमें देख रहा हूँ दिख रहे हैं ना, इंगे ना जो इंगे ना जवाब में भी थोड़े सा एंगल एंगल की दिक्कत ना रहेगी, ठीक है मैं सही आ रहे हैं हैं, बस तो ठीक है अपने इधर देख कैसे पकड़ रहा हूँ, उठा मेरा बिल्कुल मैं पकड़ लू अपने हिसाब से, ठीक है ठीक है भाई, मम्मी बता देना 1 2 3 कर देना आप, ठीक है एक ऐसा हाथ रख, ऐसा हाथ रख ताकि वो रह जाए पर यार नू डर है कभी चटक ना जा, ठीक है अभी अपनी मर्जी से पकड़ रहा, ठीक है मम्मी सीधा मान रहा है अभी भाई देखो भाई मम्मी चैंपियन ऑलवेज चैंपियन, मुझे पता था कि मैं हारूंगा, ठीक है, पर मैंने नू थी कि जैसे वे एकदम तो पकड़े गिर दिए पकड़े गिर दिए, वैसा नहीं हुआ मेरा, हाँ चल वो लगा ले, और मम्मी आशीर्वाद देना ही अलग है, पर मम्मी दाना सो रहा यार, मैंने ना जब जिम करता रहूं जब रहे कॉन्फिडेंस पंजे में वैसा ना रहे, वेरी गुड, इससे ज्यादा जरूरत है उछल को एकदम कि मेरे तो आ जा तू हैं छोटा ना है, और छोटा है वो, यार एक बार मैंने हरा दिया था, बुखार हो रहा था भाई उस टाइम में, कुछ भी हो रहा हरा दिया था, यार यूं के बाद में मम्मी बुखार हो रहा था, जब जब साफ साफ भाई नू ही पता बुखार हो रहा है, तो आदमी हाथ पैर काम ना करो तो हारगा, तो हारगा हाथ के पकड़ा है कंधा पकड़ रहा है। गाइस मेरे को एक छोटी सी मीटिंग के लिए जाना था, तो और मेरे दाढ़ी मूछ भी थोड़ी सी सेट करवानी है, क्योंकि फिर नवरात्र शुरू हो जाएंगे उसमें करवाना पाऊंगा, तो थोड़ी बहुत ही सेट करवानी है, क्योंकि अभी अगले पार्ट के लिए पूरी प्रॉपर चेंज तो करना था वो लुक, तो मैं घर से निकल रहा था, मम्मी ने कही कि गाय की रोटी ले जी, मैंने गाय की रोटी ली, और जैसे ही देखा तो अपनी वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग नंबर 8 पर आई सीधी, मैंने कहा वाह यार बड़ी मतलब बड़ा सुकून सा मिला, थोड़ी लेट आई पर 8 पर आ गई, कोई दिक्कत ना, एक तो मैंने ये नए जूते पहन लिए, थोड़ा सा वो वाइट वाइट कॉम्बिनेशन वाला चक्कर में नए बिल्कुल अभी टैग हटा के अभी अभी पैर है टाइट है थोड़े से, यार पैर में दर्द है वो दिक्कत दे रही, पर मीटिंग में जा कहीं मिलने जा रहे हो किसी तो चप्पल पहन के जाना सको तो वो वाली बात है, पर थैंक यू सो मच ट्रेंडिंग 8 पे आ गए, जब तक तुम ये व्लॉग देखोगे जब तक ये व्लॉग डालूंगा तब तक पता ना पीछे भी जा सके ऊपर भी आ सके कुछ भी हो सके, तो वो तुम देख लेना किस नंबर पर रहेगी, बस उसे ना शेयर कर देना और एक बार दोबारा देख के लाइक कॉमेंट कर देना कुछ बढ़िया सा कि भाई इतने नंबर पर चल रही है मनीष शर्मा चैनल आए हैं, तो वो और ऊपर आ जाएगी, ठीक है तुम्हारे हाथ में, आप देख लेना एक बार, बस मैं तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी तुम्हारी मर्जी है, अभी भी रेडी है अपनी कोई दिक्कत परेशानी, अरे चाबी जेब में यार, एक चीज कमेंट करके जरूर बताना, जो भोले बाबा की जो ये तस्वीर लगाई है जतिन ने, देखो एक तो ये ब्लैक अपना इंटीरियर है तो ब्लैक के साथ बिल्कुल पूरी तरह से मैच कर रही है, कोई दिक्कत ही ना है, ठीक है, दूसरा जो हुक्का और वो खाट सी लग रही थी, खाट ना थी वो पीढ़ा था वैसा, तो इसके समझ में आवे वो लग रही थी,
वो ज्यादा बढ़िया लग रहा था लुक या ये वाला ज्यादा लुक बढ़ रहा है, ये वाला लुक ज्यादा बढ़िया लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? सारे कमेंट पढ़ूंगा। और इस हिसाब से मत करना कि भाई भोले बाबा की तस्वीर है, भाई भगवान की तो है ही, वो तो एक अलग ही चीज होगी फिर अगर तुम ऐसे वो करोगे तो। लेकिन मैं एक लुक के हिसाब से कह रहा हूँ कि लुक उसमें ज्यादा अच्छी लग रही थी या फिर अब ज्यादा अच्छी लग रही है, ये चीज कमेंट करके बताना। देखते हैं कौन से ज्यादा कमेंट्स आते हैं। गौ माता, कई बार डर सा और लगा कि मुंह पे लगवाना ले शीशा यार। काम पूरा हो गया लेकिन पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या बताऊं, ऊपर से भूख लग रही है, जूस जूस पी के हालत खराब होगी। खैर एनीवेज गाइस, गाड़ी में बैठ के ब्लॉग को एडिट करता हूं, डाल देता हूं क्योंकि मेरा थोड़ा रेगुलर ब्लॉग वैसे भी ना हो पा रहे थे। तो इस ब्लॉग को कर रहा हूं मैं यहीं खत्म। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।